व्याकरण क्या है, क्यों सीखते हैं व्याकरण को, किस लिए सीखना पड़ता है व्याकरण को, और व्याकरण से हम क्या कर सकते हैं, वो सब बताऊंगी मैं। कि व्याकरण हम किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण को सीखने के लिए, किसी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, किसी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। भाषा का शुद्ध उच्चारण के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। भाषा के उच्चारण के लिए भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण सीखते हैं। व्याकरण के भी तीन अंग होते हैं। व्याकरण के तीन अंग कौन कौन से हैं? व्याकरण के तीन अंग है, व्याकरण के तीन अंग है। तीन अंग कौन कौन से हैं? पहला आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार फर्स्ट आता है वर्ण विचार। सेकंड आता है शब्द विचार, शब्द। और थर्ड आता है वाक्य विचार, वाक्य विचार।